पुंछ के शाहपुर सेक्टर के कईया गांव में आज एक जोरदार धमाके में एक मासूम नाबालिग घायल हो गया। घायल की पहचान 9 वर्षीय आशिक हुसैन के रूप में हुई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इस मासूम के सिर और बाजू को गंभीर चोटें आई हैं। मासूम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पुंछ हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करने के बाद जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया। सेना के मुताबिक ये एक माइंड ब्लास्ट था, लेकिन बच्चे के परिजनों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक मोर्टार शेल उनके घर के पास आकर फटा, जिसमें ये घायल हो गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। आज एक बच्चा जो है वो एलओसी पे जो है वो जख्मी हो गया है, और आशिक हुसैन नाम है बच्चे का, और उसकी उम्र अराउंड 10 साल है। और उसके घर वालों के अनुसार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक मोर्टार आया, उसमें उसके फटने के वजह से बच्चा जो है वो घायल हुआ है, और उसको तुरंत ही यहाँ पे जो है हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उस बच्चे को फिलहाल जो है जम्मू जीएमसी जो है वहाँ पे रेफर कर दिया गया। हमारी तरफ से फौरी तौर पर जो रेड क्रॉस की तरफ से उसको कुछ इमदाद भी दी गई है, उसकी जो है अभी उसको जो रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो एज़ पर नॉर्म्स जो गवर्नमेंट रूल के तहत जो भी इमदाद है वो की जाएगी।